राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल में। आज हमारे न्यू मेंबर आपका वेलकम कर रहे हैं, ये हमारे न्यू फैमिली मेंबर हैं। आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। आज हम वीडियो लाए हैं इंडोर प्लांट के नाम, केयर, और मैं अपने इंडोर पूरा व्यू दूंगी आपको। जितनी मेरे पास इंडोर प्लांट की कलेक्शन है उनके बारे में आपसे मैं सारी बात शेयर करूंगी, जो मेरा उनसे एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं सारा शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, आओ वीडियो शुरू करें। फ्रेंड्स, ये है यूरेका का प्लांट है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास 4-5 साल पुराना प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। और देखिए, यहाँ से मेरे को नया प्लांट भी मिला है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ में है चाइना पाम। फ्रेंड्स, ये भी मेरे पास 4-5 साल पुराना प्लांट है, ये काफ़ी बड़ा है। इसकी पत्तियाँ बीच में से ख़राब भी हो गई थी, मैंने सारा काट दिया था, अभी दोबारा ये ग्रो किया है। और देखिए, ये नई स्टेम फिर निकली है, नई पत्ती निकलने वाली है। ये है रबड़ प्लांट। फ्रेंड्स, ये पहले जहाँ पड़ा था वहाँ 1 घंटे की धूप आती थी, उसी के धूप से इसकी पत्तियाँ सारी सड़ गई। ये बिल्कुल शेडी एरिया में रहता है, ये ऐसे लगता है जैसे बर्गर का है, लेकिन ये रबड़ प्लांट है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्लांट है। और इसी के साथ है, आप नीचे आ जाइए, ये फ्रेंड्स मेरा है एग्रोवोनीमा। फ्रेंड्स, ये बड़ा प्यारा प्लांट है, छोटा सा। देखिए, एक लाई थी और देखिए एक ही साथ में दूसरा भी तैयार होने वाला है। अभी इसमें से मैं नहीं हटाऊंगी, इसको काफ़ी बुशी करूंगी, लेकिन इसके नए नए प्लांट निकलते ही रहते हैं। इसकी ऐसी देखिए पत्तियां वाइट कलर की बीच में से शाइन करती है, बड़ा प्यारा लगता है। मैंने एक बात नोट की है, इंडोर प्लांट जितने भी है वो साथ में साथ ग्रो करते रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बैम्बू प्लांट जो हम पानी में ग्रो करते हैं, वो मेरा सारा ख़राब हो गया था। और उसकी जो पत्तियाँ ऊपर थी वो मैंने काट करके मिट्टी में लगा दिया, काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं। ये है पॉनीटेल, ये सकुलेंट ही है। और ये देखिए, इसका कॉटेज होता है, इसमें कहते पानी होता है, तो अब इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है तभी मैं इसको पानी देती हूँ। फ्रेंड्स, बड़ा प्यारा लगता है। और ये देखिए यूरेका पाम। फ्रेंड्स, बोलते बोलते भूल जाती हूँ आधे नाम तो। ये देखिए पाम है, ये देखिए इसकी भी ऐसे लंबी सी पत्ती निकलती है, फिर ऐसे खुल जाती है, बड़ा प्यारा प्लांट लगता है। और ये ऑक्सीजनल प्लांट है, ये मनी प्लांट, ये भी ऑक्सीजन का ही प्लांट है। और वैसे भी ब्यूटी है और मनी प्लांट है तो ये तो घर पे ज़रूर होना चाहिए ना, ये बहुत प्यारा प्लांट है। देखिए, और ये देखिए, ये मेरे पास पुराने जो मेरे कप तिड़क जाते हैं, तो इसमें मैं छेद तो नहीं कर पाती, लेकिन इसमें मैं ऐसे छोटे छोटे प्लांट लगा देती हूँ जिसका मेरे को पता है पानी कितना चाहिए, तो बिल्कुल मिट्टी सूखने पर ही इसको मैं पानी देती हूँ। और इस प्लांट का नाम है सिंगोनिया। सिंगोनिया की काफ़ी वैरायटियाँ हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये भी मेरा एक कप था, इसमें मैंने लगा दिया स्पाइडर प्लांट। ये देखिए, बड़े प्लांट से छोटा लेके। और एक कप और इसमें मैंने लगाया मार्बल मनी प्लांट, ये वाइट रेड में, वाइट पत्तियों में रेड ग्रीन शाइनिंग देता है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग लगाई थी और एक नई पत्ती भी निकल आई है, और हाई ओक काफ़ी बड़ा होगा ये भी। ये है सेंसवीरिया, ये स्नेक प्लांट है फ्रेंड्स, ये भी इंडोर ही है और देखिए अंदर ही रखा हुआ है मैंने। ये भी रिक्का पाम, ये काफ़ी पुराना है मेरा, ये काफ़ी घना भी हो गया है। और इसी के पास में ये छोटा सा मैंने एक सकुलेंट लगाया था, अभी यो भी गर्मी के कारण ये भी थोड़ा सा ही ख़राब सा हुआ है। और इसी के पास में है बेम्बू पाम, इसकी जो स्टैम्प होती है वो बेम्बू की तरह दिखती है, जैसे बेम्बू होते हैं, और आप ऊपर देखोगे तो ये पूरा पाम की तरह लगेगा। इसका नाम बेम्बू पाम है। इसको भी पानी की बहुत कम ही ज़रूरत होती है, जब बिल्कुल इंडोर जितने भी प्लांट हैं उनको पानी कम ही चाहिए, ज़्यादा पानी से वो गल जाते हैं। और ये भी देखिए, ये एक पाम की ही वैरायटी है, लेकिन इसका मेरे को पूरा नाम नहीं पता, नर्सरी वाले भैया ने बोला था ये पाम ही है। और ये देखिए, इसका छोटा सा कॉटेज होता है, मेरे को बड़ा प्यारा प्लांट लगा, काफ़ी महंगा उसने मेरे को दिया था तो ठीक है। ये स्नेक प्लांट है। और इसी के साथ में ये देखिए, वो यूरेका का प्लांट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये उसी से दूसरा प्लांट मैंने ग्रो किया है।
देखिए कितना प्यारा, ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया। ये देखिए ये रीवन ग्रास है, ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को दी थी, और देखिए ये भी काफ़ी अब अच्छी ग्रो कर रही है। ये छोटे छोटे पॉड है जिसमें मैंने अपने सारे सकुलेंट लगाए हुए हैं, जितने मेरे पास फ्रेंड्स हैं सकुलेंट उनको मैं सबको इसमें ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि सकुलेंट को ज़्यादा बड़े पॉड की ज़रूरत नहीं होती। देखिए ये फ्रेंड्स, ये एक मैंने कटिंग लगाई थी 2-3 महीने पहले, आपका ग्रो कर रही है, लेकिन इसका नाम मेरे को पता है फ्रेंड्स, ये बिगोनिया है। इसके छोटे छोटे फूल आते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। इसकी 3-4 तरह के फूल आते हैं, रेड, पिंक, वाइट, और बड़े प्यारे लगते हैं। ये इंग्लिश आईबी की बेल है, और इसको मैंने ऐसे ग्रो करने का सोचा कि ऐसे टोकरी बनाई जाए। ये जो बच्चे पतंग चढ़ाते हैं ना, उसकी स्टिक होते हैं, वो मैंने ऐसे घुमा के लगा दी, और इसके ऊपर ये बेल को मैं ग्रो कर रही हूँ। तो ये अगर भर जाएगी तो आप देखते ही रहेंगे मेरी वीडियो, तो आपको ज़रूर इसका नज़ारा दिखेगा। फ्रेंड्स बातें करते करते ये इसका नाम फिर भूल गई मैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस ये दो प्लांट थे मेरे पास छोटे छोटे, एक तो ये ग्रीन पत्ती रहती है, एक के वाइट कलर की पत्तियाँ रहती हैं। ये बहुत अच्छा प्लांट है, और फ्रेंड्स ये भी बिगोनिया, इस पर पिंक कलर के फूल आते हैं। देखिए आप जितने मेरे इंडोर प्लांट देखोगे, आप मिट्टी बिल्कुल सूखी होगी। और ये देखिए, ये भी फ्रेंड्स सिंगोनिया है, ये सिंगोनिया का प्लांट है। इसका सिंगोनिया क्यों नाम होता है, देखिए ये इसके दो सिंग होते हैं ऐसे, तो इसको सिंगोनिया बोलते हैं। ये भी ऑक्सीजनल प्लांट है, इसको भी ऑक्सीजन का ही प्लांट बोलते हैं। और इसी के साथ में है ड्रेसिना की नस्ल, सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये देखिए ये भी प्लांट मेरा साल पुराना है, और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी इसकी नई स्टैंप नहीं कोई निकली। और ये देखिए ये रेड ड्रेसिना, ये ड्रेसिना की ही वैरायटी है। ये भी गर्मी के कारण काफ़ी पत्तियां ख़राब हो रही हैं इसकी भी। और ये है, ये भी पिंक ड्रेसिना, इसकी पिंक कलर की लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, इसको पिंक ड्रेसिना बोलते हैं। ये चेन प्लांट है फ्रेंड्स, ये मेरे को किसी ने छोटा सा प्लांट गिफ्ट किया था, और देखिए ये अब इसके नए रनर लंबे लंबे निकल हुए, इसमें नए प्लांट तैयार हो जाएंगे, और प्लांट तैयार हो जाएंगे इसके। और ये पर्पल हार्ट, इस पर पिंक कलर के फूल आते हैं छोटे छोटे, और ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है फ्रेंड्स। और देखिए अब कितना घना हो गया है, ये कटिंग से बड़े आराम से ग्रो हो जाता है। अडेमिया, अभी इसको भी सीड पड़ गए हैं। और फ्रेंड्स ये इसका तो पता नहीं क्या, मंथरा, नर्सरी वाला बोला मंथरा है इसका नाम, तो पता नहीं अभी तो मैं इसको, मेरा पूरा नाम नहीं पता। ये है जेड प्लांट फ्रेंड्स, ये देखिए ये भी मैंने, मेरा अपना प्लांट भी है, लेकिन ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, छोटी सी कटिंग लगाई थी ऐसे, ये काफ़ी बड़ा हो गया। इसकी मैं टोपियारी सोच रही हूँ बनाने की, वो भी आपके साथ बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी जब इसकी मैं टोपियारी बनाऊँगी। इसको मैंने शेप दी है वैसे फ्रेंड्स, इसका मैं वैसे तो नाम भूल गई, लेकिन इसका मेरे को जो हम लोग यहाँ बोलते हैं नर्सरी में, बोला भैया ने बोला कि जैबरा प्लांट, कि इसके जैबरा जैसे ऐसे ऐसे स्टैम्प होती है ना, तो इसको जैबरा प्लांट बोलते हैं। और इसके भी काफ़ी प्लांट निकले हैं, ये भी सकुलेंट है, चवेरिया का है। और ये देखिए कितना प्यारा पॉड है मेरा इसमें लगा हुआ है। आपको वीडियो पसंद